गुड मॉर्निंग। तो एकॉन की सक्सेस स्टोरी में आज एक और नाम जुड़ चुका है हमारे साथ, जिनका नाम है अनुराग। ऑफलाइन 34 बैच के स्टूडेंट हैं। अभी इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और सब में बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है। रिसेंट में एक रिज़ल्ट आया एम्स एमएससी का और उसमें ऑल इंडिया रैंक 33 है इनकी। तो देखते हैं इनकी जर्नी आखिर कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे पढ़ाई की, कोचिंग का क्या रोल रहा और क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने रुकावटें लाई रास्ते में, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इनको आगे बढ़ने पे मजबूर किया। तो सबसे पहले हम पूछना शुरू करते हैं अनुराग से। अनुराग, बताइए अपने बारे में कि आप एम्स एमएससी का रिज़ल्ट आया और ऑल इंडिया रैंक 33 आना, जो कि काफ़ी डिसेंट रैंक है, तो इन सब के अलावा और आपकी कौन कौन सी रैंक रही और आपने कैसे कैसे पढ़ाई करी, जिससे कि आने वाले लोगों को भी पता लगे कि हाँ मैं ऐसा पढ़ना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रही, वो सारी चीज़ें बताइए एक एक करके। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी इतना अच्छा पढ़ने में नहीं था, इसलिए मुझे एक हेल्प की ज़रूरत थी। तो मैंने नेट पे सर्च करा एकॉन के बारे में कि जो मुझे अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करें। मुझे पहले लगा नहीं था कि मैं इस रिज़ल्ट के लायक रहूँगा कभी भी फ्यूचर में। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बट हल्के हल्के एक एकॉन की परफेक्ट गाइडेंस के अंदर आकर मैं यहाँ तक पहुँचा। और जितना भी मेरा स्ट्रगल है वो मैं अपने आप पे विश्वास ही नहीं रखता था कि मैं कभी कर पाऊँगा, इसलिए हल्के 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 हमारे इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ है, उनके सपोर्ट के कारण ये रैंक आ पाई। एंड मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा एकॉन एंड फैकल्टी का, जिन्होंने मेरा हर बुरे समय पे तो साथ ज़रूर दिया है, अच्छे समय पे तो दिया ही है बट बुरे समय में बहुत दिया है। जब मैं डीमोटिवेट होता था, जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आता था, तब भी। अनुराग, मैं जानना चाहूँगा कि आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी और किसने आपको एकॉन के बारे में बताया या आपने कहाँ से एकॉन के बारे में देखा? सर, मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली स्टार्ट करी थी 6 में, प्रीवियस ईयर 6 में। उससे पहले मेरा कोई भी बेस नहीं था किसी भी सब्जेक्ट पे। एंड मुझे मेरे बहुत सारे सीनियर्स रहे जो यहाँ के टॉपर निकले हुए हैं, उन्होंने गाइडेंस करा कि अगर आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको एक बार एकॉन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा सर। तो उनकी अच्छा मतलब आपको सीनियर्स ने बताया, क्योंकि आपके सीनियर्स भी यहाँ से पढ़े हुए थे। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे आप क्लासरूम में आए, तो क्या आपने डेमो क्लासेस ली थी शुरुआत के दिनों में? हाँ जी सर, डेमो ली थी मैंने। तो फिर ये बोला होगा हमने कि डेमो क्लासेस में जो टीचर पढ़ाते हैं वही आगे 6 से 7 महीने उन सब्जेक्ट को कम्प्लीट करेंगे, तो वो चीज़ें हुई या उसमें कुछ अंतर रहा? नहीं सर, एग्जैक्टली सब कुछ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब सेम था, एंड उन्होंने अपना 200% दिया है सर। आपने जब प्रिपरेशन शुरू की तो आपके पास, आपने बोला कि आपके पास बेस नहीं था, यानी कि आपने पहले बहुत अच्छा नहीं पढ़ा था, तो आपको कभी लगा था कि आप सेलेक्ट हो जाओगे एक दिन और इतने सारे रिजल्ट अचीव कर पाओगे? नहीं सर, मैंने अपने आप पे तो पहली बात मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं 4 साल BSc के पास कर पाऊँगा। और ये कोचिंग का भी डिसीज़न मेरा नहीं था सर, ये कोचिंग का था मेरे सीनियर्स, मेरे पीयर ग्रुप का, जिन्होंने मुझे बोला कि हम भी ऐसे ही थे पहले, हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आप एक बार एकॉन से कॉन्टैक्ट करिए। और जब मैं एकॉन में आया तो मुझे लगा कि मेरे बैकग्राउंड में मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पर वेट कर रही है। कितने घंटे की क्लासेस चलती थी आपकी डेली और कितने दिनों तक क्लासेस चली, मतलब कितने महीने तक? सर, जितना टाइम बताया गया था उससे एक्स्ट्रा ही चली हैं, कम नहीं चली हैं। एंड लगभग अराउंड हमारा ऑफिशियली 6 मंथ्स का जो ड्यूरेशन था वो आगे जाके 7 to 8 मंथ तक का भी रहा है। एंड जो टाइमिंग की बात है, जो टाइमिंग थी सुबह के 8 to 2 तक, बट अगर उन्हें सर्स को लगता था कि कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने तो लेट भी हो जाती थी सर। मतलब 5-6 घंटे की क्लासेस तो मिनिमम डेली चलती हैं। हाँ जी सर। इसके अलावा आपके ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट हुए होंगे? हाँ जी सर। सर, हमारे जितने भी टेस्ट हुए थे वो बहुत मेजर थे, जिन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करा। आपने जब पढ़ना शुरू किया था तो कितने क्वेश्चन किए, शुरुआत में कैसे पढ़ाई की,
मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले जो अभी स्टूडेंट बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना होगा कि हमें एम्स एमएससी एम्स से करनी है और ऐसी रैंक लेके आनी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक परफेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। एंड सेकेंड इन विल पावर, अगर आप किसी गाइडेंस में आके अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हैं तो रिजल्ट डेफिनेटली है। एंड कंसिस्टेंसी, ये तो की है जो सबको पता ही है सर। इसके अलावा आपने मॉक टेस्ट, रिवीजन या फिर प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू, ये क्वेश्चंस पे आप कितना फोकस किया आपने कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई? सर इनमें जो पीवाईक्यूज हैं वो मेजर रोल निभाते हैं, और जो अकाउंट की टेस्ट सीरीज थी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलते थे, इनसे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियाँ ढूंढता था कि मैं किस मेरा लैग पॉइंट जो ब्लैंक पॉइंट है वो कहाँ है, तो उससे मैं सीख सीख के अपने आप की कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाता रहता था, जिसमें कि एकॉन का काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहा है सर। तो आपने पेपर में जब आए तो आपने कितने क्वेश्चन पेपर किए होंगे या कितने सारे क्वेश्चन पेपर किए, कब मतलब एक दो महीने कितने महीने तक आपने पुराने क्वेश्चन पेपर किए? सर लगभग लगभग मैंने 2 to 3 months तक तो प्रीवियस ईयर करे ही हैं प्लस टेस्ट सीरीज़, जिससे कि मुझे मेरा इवेल्युएशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता था, और जितना भी इवेल्युएशन होता था उसकी मेरे पास एक कॉपी बनी हुई है जिसमें मैं क्वेश्चंस एंड 4 options एंड रैशनल लिखता था और रेगुलर रिवाइज करता था। रिवीजन के लिए और पढ़ाई के लिए डेली कितने आवर्स की पढ़ाई की है आपने? सर एक कंसिस्टेंसी थी बट एक फिक्स टाइम नहीं था, मैं मैक्सिमम 16 to 18 hours भी पढ़ाऊँ और मिनिमम 1 hour भी पढ़ाऊँ ट्रूली, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं रेगुलरली इतना अच्छा था पढ़ने में। शुरू में तो बिल्कुल ही मेरा बेस ही नहीं था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी, तो मैं एक लिमिट तक टच कराए, उसके बाद फिर परफेक्शन की तरफ आते आते हल्का हल्का मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा देता था। सर आपने कोचिंग्स के बारे में तो सुना होगा, तो आपको ऐसा क्या अलग लगा है कौन में जो बाकी जगह हम नहीं सुनते या जो बाकी जगह में नहीं मिल पाता? सर एक तो सपोर्ट सिस्टम, सर यहाँ का सपोर्ट सिस्टम मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे कोई नर्सिंग नहीं पढ़ाया गया, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है लाइफ में, मुझे किसी भी चीज़ के प्रेशर नहीं दिया गया कि अगर आपको क्या पढ़ना है, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको एक बड़े सीमा तक लेके जाएंगे, तो सर ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। सबसे पहले आपने बोला एक सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत अच्छा लगा है, हाँ जी सर। और क्या चीज़ ऐसी थी, क्या क्लासरूम में रिवीजन करवाते थे या फिर कोई क्वेश्चन करवाते थे, इमेज बेस करवाई हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट जानना चाहता है, मतलब वो ये जानना चाहता है कोई कोचिंग भी डिसाइड करने से पहले कि मुझे कहाँ से करनी चाहिए? सर एक्चुअली मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक। जैसे हमारी सबको पता होगा बेसिक जो बुक है वो PR यादव है, वो तो हर बच्चा कर लेता है, बट एनक्लेक्स मोसबी तक कोई बच्चा, मतलब एवरेज स्टूडेंट जैसे मैं था, मैं पहले नहीं पहुंच पाता था, बट वो भी क्लास में डिस्कस होती है सर, तो जैसे पेपर का लेवल आने वाले टाइम में हार्ड होता जा रहा है तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह काम करता है हमारे लिए, कि हम अगर एनक्लेक्स और मोसबी अच्छे से डिस्कस करके जाएँ और यहाँ पे हमारे फैकल्टी जो पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सर हमारा रिजल्ट जो है वो काफ़ी, मतलब एनक्लेक्स होती है क्लास में आपके या आपको बोलते हैं कि नहीं घर से कर लेना, या एनक्लेक्स एक सब्जेक्ट के रूप में करवाया जाता है आपको? एनक्लेक्स सर प्रॉपरली कराया जाता है, एक सब्जेक्ट कॉपी भी बनती है और बुक भी, जिसके हर एक एक एक्स्ट्रा रैशनल्स भी लिखवाए जाते हैं सर कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे। हाँ जी सर। तो एनक्लेक्स PR यादव से लेके एनक्लेक्स तक का सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को करनी चाहिए अगर उसे अच्छी रैंक चाहिए तो? हाँ जी सर, मतलब सर हमारे पास जितनी एक्सपोजर की बुक्स हैं कम से कम उनको टच तो करना चाहिए सर, ताकि हमें पता रहे कि सिलेबस में क्या ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ये बताइए आप कि अब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो आने वाले एग्ज़ाम्स में, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अभी 3rd year 4th year में हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सबसे पहली बात तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए, तभी आप अपनी इमारत खड़ी कर पाएंगे। अगर आपका बेस नहीं होगा तो आप कितनी भी हाई लेवल स्टडी कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड कंसिस्टेंसी, तो 3rd year 4th year वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जो मतलब अभी पास हो गया है या होने वाला है, सेल्फ स्टडी कोचिंग का क्या रोल है या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है क्या लगता? सर सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, बट मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग क्लासेस का बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहता है आपका बेस प्रोवाइड करने में सर, ताकि आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फाइट कर सकें सर। अभी आपने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं एम्स एमएससी के अलावा, और कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं? सर SGPGI,
लखनऊ, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों हुए थे पेपर, दोनों पीजीआई संगरूर में सर, एंड एबीवीएमयू का एमएससी पेपर था सर, ऑल ओवर इंडिया रैंक 8 आई थी मेरी उसमें, एंड एम्स एमएससी है, एंड अभी नॉर्सेट का रिजल्ट आना बाकी, नॉर्सेट रिजल्ट आना बाकी। तो जैसा कि हमारे साथ अनुराग थे, उन्होंने आपको बताया कि अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक आपको सपोर्ट सिस्टम या इन्वायरमेंट चाहिए, अगला आपको अपनी कमियां कहां पे हो रही हैं वो पता चलेगा पुराने क्वेश्चन पेपर से। तो पुराने क्वेश्चन पेपर आप करते चले जाओगे तो आपको अपनी गलतियों का, कहां पे मेरी कमी है, कहां पे लैकिंग है, वो पता चलता रहेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सुझाव लें तो कहां से लें। अभी अनुराग के पास SGPGI के दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, इसके अलावा UP में MSC के अंदर इनकी 8th रैंक थी, और ऑल इंडिया एम्स MSC का जो एग्ज़ाम लगा था उसमें ऑल इंडिया रैंक 33 है, और अभी नॉर्सेट का रिज़ल्ट आना तो बाकी है। अभी 9 महीने, 8 महीने, 10 महीने हुए हैं पढ़े हुए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो नर्सिंग में तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो बहुत इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ बताया कि बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में, और बहुत सारे स्टूडेंट को यही लगता है कि वो बहुत अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, तो क्या उन्हें कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि उन्हीं लोगों को कोचिंग करनी चाहिए जो बहुत वीक है, या उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई जाती हैं एकॉन के अंदर, जैसा कि इन्होंने बताया, आपको नोट्स बनाने से लेके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने तक, यहाँ तक कि एनक्लेक्स तक की बुक आपको क्लास में ही करवाई जाती है। तो ज्वाइन अकॉन, ज्वाइन सक्सेस। थैंक यू।